अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफी। तीन साल के इख्तिताम पर हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली हम एक मोमेंटम बढ़ता हुआ देखते नजर आ रहे हैं। अगर ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आते ही एक की रिफॉर्म्स का एक एजेंडा लेकर आए, शॉर्ट टर्म के अंदर मॉनेटरी टाइटनिंग की, और हमने देखा कि एक्सटर्नल साइड पे जो आउटफ्लोज हो रहे थे और करंट अकाउंट डेफिसिट था, रुपी को बहुत ज्यादा इनस्टेबल था, उसको डिस्काउंट रेट बढ़ा के कहीं जाके रोका, ताकि शॉर्ट टर्म में वो मेजर्स लिए कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को डायरेक्शन दे सकें, आप फिस्कल पॉलिसी को डायरेक्शन दे सकें और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मीट कर सकें। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज थी जो कि शॉर्ट टर्म में इमरान खान ने आके उस पर फोकस किया। उसके बाद एक से डेढ़ साल का कंसोलिडेशन का फेस आया, जहां पे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कूल ऑफ हुए और एक बुनियाद बनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज, यहां पे हम देख रहे हैं कि एक बाउंस ऑफ होके एक मोमेंटम चल पड़ा है। अब ये जो मोमेंटम चल पड़ा है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जर मुबादला बढ़ रहा है, आपकी करंट अकाउंट मुनासिब लेवल्स पर आ चुका है, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट में, करंट डेफिसिट में अगर देखा जाए, आप जो जारी खाते होते हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आई है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, एफबीआर में की रिफॉर्म्स आई हैं, तो ओवरऑल हर ही सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी इस्लाहात का अमल था वो शुरू हो चुका है। आम आदमी को उसके असरात कब आएंगे, क्या ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं इनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि आगे चल के एक दो साल में जो रिफॉर्म्स एजेंडा इमरान खान साहब लाए हैं उसको यहां से किस तरीके से आम आदमी तक ट्रांसफर करेंगे। ऑल दो डायरेक्ट ट्रांसफर प्रोग्राम्स के थ्रू गरीबों के लिए खासतौर पर बहुत सारे जो इकदाम उठाए गए हैं वो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड चल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को कंटिन्यूसली बढ़ाना और उसको सस्टेनेबल वे में मेंटेन करना, दैट्स द नेक्स्ट टारगेट दैट द करंट गवर्नमेंट हैज। आज इसी तमाम तरह परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं तारुफ कराना चाहूंगा सैयद जौहर अली कंधारी साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे इनकी गहरी नजर है, खास तौर पे जो रीसेंट बूम आया कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे उस पर जानेंगे, ओवरऑल पेरिफेरी सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस हो रही है उस पर भी इनको इनकी राय से हम मुस्तफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देन वी हैव विद अस अरतलान सुमरो साहब, जो कि एमडी है केएसबी सिक्योरिटीज के, इनकी ना सिर्फ डायरेक्ट फॉरेन इन्फ्लोज जो पाकिस्तान में आ रहे हैं उन पे गहरी नजर है, इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट्स पे इनकी बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है, इनसे हम ओवरऑल ही जायजा लेंगे, खासतौर पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है, सेक्टर वाइज क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को अब किस तरीके से देखते हैं, तो इन तमाम तरह इश्यूज पे इनसे डिस्कशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम चाहने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन शमसुल इस्लाम साहब, जो कि वीपी है, केसीसीआई से इनका ताल्लुक है, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस करते हैं और खरी खरी आरा के लिए जाने जाते हैं, तमाम तरह शोज में हम इनसे भी मुस्तफीद होंगे कि कहाँ रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, कहाँ रिफॉर्म्स आई हैं, कहाँ रिफॉर्म्स की राह में रुकावट हो रही है, क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए टू एक्सपेडाइट दिस रिफॉर्म एजेंडा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम चाहने का। सबसे पहले कंधारी साहब, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गवर्नमेंट ने आके वो कुछ इकदाम किए जो कि पिछले 50-60 सालों में नहीं हुए, व्हाट आर दोस की मेजर्स, तो अब उसकी क्या सूरत हाल है, क्या मोमेंटम है? देखें, अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट का जो बेसिक फोकस था वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर पहले दिन से रहा है। उसकी बुनियादी आपने ये भी देखा होगा कि इस जमाने में कोरोना के बाद अगर भी पहला सेक्टर खुला था वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही खुला था, तो इस पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस था और उसका असरात जाहिर सी बात है उन्होंने उसमें कुछ ऐसे पैकेजेस दिए, मॉनेटरी पॉलिसी दी, एमनेस्टी पॉलिसी दी, उसके अलावा उन्होंने और चीजों पर भी कंट्रोल किया, लेकिन बुनियादी तौर पर उसका असर आते आते मैं समझता हूं कि अभी कुछ टाइम और लगेगा, क्योंकि उसमें पंजाब के अंदर तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उस पर इंप्लीमेंटेशन हुई, लेकिन सिंध के अंदर बिलखसूस कराची के ऊपर उस तरीके से लोगों ने उस चीज को अवेयर नहीं किया, तो थोड़ा सा खौफ भी था और कुछ पॉलिसीज क्लियर भी नहीं थी। अब समझता हूं कि पिछले साल एक साल गुजरने के बाद अब चीजें जो है बेहतर होना शुरू हो गई हैं और इस पर अब काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया। गवर्नमेंट के अपने जो 50 लाख का एक उनका स्लोगन था उसके तहत भी मेरे ख्याल से 19-20 हजार घर जो लो कॉस्ट हाउस बन चुके हैं, और मैंने एक जगह ये भी सुना है कि तकरीबन
137 बिलियन से ज्यादा की एप्लीकेशन जो है वो बैंकों के पास आ चुकी हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से। अब उसमें एप्लीकेशन आना एक अलग प्रोसेस है, उसको एग्जीक्यूट होना, उसमें उन लोगों को लोन मिल जाना, ये बैंकों की अपनी पॉलिसीज होती है, उनके अपने कॉलेटरल के इश्यू हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटीज के इश्यू हैं, उसको सहल और आसान करना पड़ेगा ताकि एक आम आदमी को, देखें इसमें इतने बड़े मकान गवर्नमेंट बना के नहीं दे सकती, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर ही आएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी बिल्डर आएगा, और बिल्डर को अगर आप उस तरीके से वो कंडीशन एनवायरमेंट देंगे, वो बेसिक चीजें पूरी करेंगे। इसमें मैं फिर कहता हूँ नेगेटिव बात हो जाती है कि स्टील की बात मैंने शायद पहले भी प्रोग्राम में कही थी कि पिछले 6-8 महीने में बेच चुकी बढ़ गई है, 60-50 हजार रुपए टन बढ़ गई है, तो जिन लोगों ने लो बजट पे प्लान करके सेल किया हो तो वो उसको नहीं कर सकते, फिजिबिलिटी आउट। बहुत ही की इंपॉर्टेंट साइड नाउ कंस्ट्रक्शन से तो ओवरऑल जनरली ही इज हैप्पी, लेकिन कुछ हम देख रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल है वहां पे इश्यूज हैं, वो अगेन कमोडिटीज में भी हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं। आप क्या समझते हैं जो 2-3 साल में परफॉर्मेंस रही है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर जो एकदम स्लिपेज हो रहा था उस पर काबू पा लिया हमने? जी मेरे ख्याल से बाकर काफी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया है। अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें ना 3 साल की परफॉर्मेंस को, पहले साल तो एक पैनिक सिचुएशन थी, क्राइसिस सिचुएशन थी, आपकी करेंसी जो है डिप्लीट होती जा रही थी, IMF के पास जाना था, सेकंड ईयर के अंदर वो खत्म होने के फौरन ही जो है हमारे पास कोविड आ गया, थर्ड ईयर में काफी हद तक जो है ना गवर्नमेंट ने ग्रिप बड़ी स्ट्रांग की है जिसमें रेमिटेंसेस का बड़ा हाथ है और गवर्नमेंट का फोकस हो गया कि रिजर्व बढ़ा के हमें एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है। मतलब ये कि जैसे हम कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल दे रहे थे, फाउंडेशन जो है ना हमारी इकोनॉमी की मजबूत होनी चाहिए ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाए। सस्टेनेबल ये कि अगर आप 4-5% तक पहुंचे हैं तो वापस ये 0 या 1% पे नहीं चले जाए। अच्छा अब उसके लिए जो इकदाम जरूरी थे वो हमने मेरे ख्याल से पॉलिसीज काफी हद तक अडॉप्ट की है, उसके पेस के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या उनका पेस और ज्यादा हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम के जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आना, और अवाम के लिए जरूरी है उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है कि इंस्टेबिलिटी का माहौल ना हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि करेंसी जो है ठीक है ये आपकी मैनेज्ड होनी चाहिए, मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए, लेकिन अगर 15-15 रुपए 10-10 रुपए 3-3 महीने के अंदर स्विंग होंगे तो जो इन्वेस्टर है ना वो घबरा जाता है, वो कहता है छोड़े यार काम करने से अच्छा है कि आप कुछ और से गोल्ड ले लें, रिस्क फ्री ले लें, और इसका प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाएगा वाकई, वो इसलिए क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। अगर जॉब्स क्रिएट नहीं होती क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सेटअप कर ही नहीं रहे अपने बिजनेसेस, तो वो जो खुशहाली है वो बॉटम लेवल तक नहीं आती। हैविंग सेड दैट रिफॉर्म्स इस वक्त बन रहे हैं और इसके ऊपर पॉलिसीज आ रही हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी अगर आप देखें, हालांकि गवर्नमेंट को LNG एक्सपेंसिव इंपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने $6.5 पर MMBTU, 7.5 सेंट पर यूनिट पे जाके उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, तो अब पॉलिसी आ गई है, प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये है मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, और इसी तरीके से होगा। डिलेमा थोड़ा ये है कि 3 साल गवर्नमेंट के चले गए, अब जो भी काम करना है बड़े फास्ट पेस पे करना है। आई थिंक दिस इज द की पॉइंट सर, how do you summarize 3 years performance and how we should move forward? Bismillahirrahmanirrahim, dekhen main aapko bataun ki is hukumat ko aate hi bahut sare challenges mile hain, economic front pe bahut challenge mile hain, aapko dekha shuru mein aate hi aapka deficit trade current account deficit tha wo 20 billion tak pahuncha hua tha, imports aapki record high ho chuki thi, exports gir rahi thi musalsal, to us halaat mein agar aapka jab करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो करेंसी के ऊपर प्रेशर भी आता है, वो भी हमने देखा कि शुरू में किस तरह से आ रहा था, तो हुकूमत ने बड़ा इसको तरीके से मैनेज किया। दो कि मैं इसके फेवर में कभी भी नहीं रहा कि स्टेबिलाइजेशन जैसी पॉलिसी कराए, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि स्टेबिलाइजेशन जरूरी है, तो मैं ये कहता हूं कि उसके आपको रिफॉर्म ऐसे लाओ कि आपके अंदर जो लीकेज हो रहे हैं, जो आप अननेसेसरी आप लॉस कर रहे हो रेवेन्यू का, उनको प्लग इन करो और अपना पेस बढ़ाते जाओ। और हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया कि आपको डेफिसिट जो देखें 1.8 बिलियन अगर 3 साल के अंदर आ गया तो ये बहुत बढ़िया की अचीवमेंट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह से आपकी जो है इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसको उन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट करके फिर एक्सचेंज रेट को मैनेज करके फिर ड्यूटीज को बढ़ा के RDs वगैरह लगा के उसको भी कम किया, जो उसने कि आपकी जो ग्रोथ थी उसकी एक्टिविटीज में काफी असर किया और इंपोर्ट्स आपकी कम हुई, क्योंकि इंपोर्ट्स में आपको पता है कि फिनिश गुड्स भी आती हैं लेकिन रॉ मटेरियल भी आ रहा होता है एक्सपोर्ट का, तो जैसे ही आप डिवेल्यूएशन करते हो या ड्यूटीज लगाते हो तो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री को चाहिए वो महंगा हो जाता था। यही वजह है कि शुरू में आपने देखा था कि LSM जो है इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे RDs खत्म की गई, रॉ मटेरियल सस्ता किया, तो अब हमारी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो तकरीबन 18-19% पे आ चुकी है, तो ये एक ऐसा था कि इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया, पहिया चला दिया, ये डायरेक्शन ठीक थी।
साथ ही जो आपने देखा कि रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उसमें भी बहुत बेहतरी लाए, क्योंकि आपको घर चलाना है, पाकिस्तान के घर की तरह है, और उसके लिए आपको जराए आमदनी चाहिए होती है, और आपके पास महदूद आमदनी है, एक आपके पास एक्सपोर्ट है, दूसरी आपके पास फॉरन रेमिटेंस होती है, और साथ ही लोकल टैक्सेस होते हैं। पाकिस्तान का डायलमा यह है कि यहाँ पर जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है, अभी भी हमारा 11.1% पे आए हैं, एटलीस्ट 12% तो होना चाहिए किसी भी जगह, और उसके ऊपर जाए ऐसे ममालिक हैं जो 45% तक ले गए हैं, तो उनके पास स्पेस होती है अपने लोगों को सब्सिडाइज चीजें देके, उनको रिलीफ देके। लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, हमने जो है एहसास प्रोग्राम सोशल सेक्टर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि एहसास के अंदर कैश डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत गरीबों लोगों को स्पेशली कोविड जब आया तो उसने आपकी एक्टिविटीज को बंद किया, डेली वेजेस जो थी उनकी इनकम खत्म हो गई, लेकिन साथ ही 15,000-12,000 जो मिले हैं उससे फायदा हुआ। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दी इनके जो पॉइंट है उसका लुबे लुबाब ये है, अगर टेक्निकली देखें हम लोग आसान अल्फाज में आपको समझाएं कि इकोनॉमी ने पिछले 3 सालों में एडजस्ट किया है अपनी महंगाई को, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करके, जो डेट सर्विसिंग है वो पास ऑन करके, टैक्सेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करके एडजस्ट किया अपने आप को। बट आर वी इन द पोजिशन कि ये जो एडजस्टमेंट हुई है इसके बाद अगेन वी डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ, ऐसा ना हो कि फिर वो कंजम्पटिव एक ग्रोथ हो फिर एडजस्टमेंट हो डिवैल्यूएशन के साथ, आर वी इन द पोजिशन? चलिए पहले तो इसलिए आप बता दें, देखिए अब हमें जो गवर्नमेंट को करना है ना वो ये करना है कि अपने प्लानिंग ऐसी रखें कि आपका जो ग्रोथ की एक्टिविटीज है ये बढ़ती चली जाए, ना कि वापस आए। अभी हमारे पास एक्सपोर्ट्स जितनी बढ़नी चाहिए थी 25.3 बिलियन तक आई, पिछले सालों के हिसाब से बढ़ी, लेकिन उसको आज की जरूरत 35-40 बिलियन पे होना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पा रही। और फिर आपकी रेमिटेंस जिसने आपको बहुत बड़ी सपोर्ट दी है उसमें कोई इंसेंटिव लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको सस्टेनेबल रखना होगा। 3 बिलियन 2.9 बिलियन तक की हमारी रेमिटेंस आई है, ये बढ़ सकती है या सस्टेन किया जा सकता है उस तरह के, अगर हम इंसेंटिव दें उन रेमिटेंस भेजने वालों को, क्योंकि आपको पता है हवाला हुंडी बहुत कम हुई है, लेकिन साथ ही आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो बैंक का चैनल यूज करे और हवाले वाले को आज भी उधार दे। एक अच्छी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, अदरवाइज एक और एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, पावर प्राइसेस में अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्योंकि वो एक और एडजस्टमेंट आएगी, देन फिर अगेन वो ग्रोथ को हैम्पर करेगी। हाउ डू यू थिंक? इसमें मैं अभी जिसकी बातें कर रहा हूं इसमें सबसे बड़ी बात ये, मेरा एक अपना पर्सनल तजिया है कि गवर्नमेंट में 3 साल जो लगे ना, इन्होंने गवर्नेंस तो की नहीं है, इन्होंने तो खाली क्राइसिस मैनेजमेंट की। जब से ये आए पहले आधी छिप एक इंडिया का हुआ पुलवामा वाला इशू हो गया, उसमें 7-8 महीने तक एक बड़ा अनस्टेबिलिटी रही, वो एक इंटरनेशनल तौर पर उसको फेस करते रहे, उससे निकलते तो पैंडेमिक कोविड का मसला आ गया, फिर वही मैं इसका जब वो कोविड एक नई चीज थी पैंडेमिक की, उसको ही संभालते संभालते और ऐसे मुल्क में जिस मुल्क के अंदर लोगों को आज तक भी मास्क लगाना है और आज भी मेजोरिटी कहती है कि कोविड की चीज ही नहीं है, लोगों को एजुकेट करना, उनको उन पर इंस्ट्रक्शन लगाना, उनको समझाना एक बड़ा बड़ा टास्क था जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इसको किया और हम दुनिया के 3 मुल्कों में आ गए जहां पर बहुत जल्दी इसको ओवरकम किया गया। उससे निकले जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक इशू पीडीएम वगैरह और ये सियासी मसले मसाले शुरू हो गए जो जिसने अनस्टेबल किया, फिर अभी कुछ थोड़े सी चीजें अब स्टेबल होनी शुरू हुई थी इकोनॉमी के, जो स्टडी जो शमसा ने दिए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, टैक्स रेवेन्यू में एनहांसमेंट की बात की, या हमारे जो फॉरेन रिजर्व उसकी बात की, रेमिटेंस की बात की, और जबरदस्त खासतौर पर उन्होंने स्पीच में शेयर किए। अब उसके बाद अभी कुछ चीजें थोड़ी सी जमना शुरू हुई है, तो अफगानिस्तान का इशू है, इसको भी आप छोटा इशू तो नहीं कह सकते ना कि हम जिस तरीके से बैठे हैं, जितना हमारा क्लोज इंटरेक्शन अफगानिस्तान के साथ है और जो हमारी दुश्मन कुवतें हमारे पीछे लगी हुई है, इस पूरे जोन से निकलने में इसको देखते हुए उस टाइम भी कुछ गवर्नमेंट को फोकस करना है, तो इन चीजों को भी संभालना है। अब इसके अलावा जैसे बात की कि जी स्टेबिलिटी कैसी आई है, चीजें जो शुरू हो गई हैं ये कंटिन्यू कैसी रहे, देखिए इसमें सबसे मेन चीज जो है ना वो एक हुकूमती सतह, पहले तो एक हुकूमत की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो अनस्टेबल चीजें जो होती हैं ये परेशान कर देती है। सेकंड ये कि जी जो एनर्जी आउटेज के मसले हैं इंडस्ट्री के हवाले, 18% ग्रोथ की बात की बिल्कुल हुई है, इंडस्ट्री लग रही है, कल एक जगह में साफ सुन रहे थे कह रहे थे कि जी 5 बिलियन से ज्यादा की जो है ना इंडस्ट्रीज यहां पर आ रही है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आ रही है और 1:1 रेशियो के आ रही है कि 5 बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो उसके एक्सपोर्ट्स के नंबर भी 5 बिलियन होंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब काम तो हो रहा है ना, जैसे कल खान साहब ने कहा कि जी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां रिकॉर्ड सेल हो रही हैं, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं लोग खुशहाल लोगों में कुवत खरीद है तो ले रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब वो फिर अलग डिबेट है कि उसमें और किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि जो भी रिफॉर्म्स लाए गए या जो इमरजेंसी तौर पर चीजों को कंट्रोल किया गया, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बार बार कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों के साथ साथ वॉर फुटिंग लेवल के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस करे, जिसकी तरफ उनका भी फोकस नजर नहीं आता। इसी को कनेक्ट करते हैं अशांत साहब, नाउ
आप थोड़ा सा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि स्टेबलाइजेशन हो गई, आपने एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पाथ इंडिकेटर्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम के साथ दिख तो रहा है कि हर इंडिकेटर बेहतरी की तरफ गामचंद है। आप जो सेक्टर्स एनालाइज कर रहे हैं, क्या आपको बुनियादी इस्लाहात उसमें आती नजर आ रही हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो कि बैकबोन है? फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन में तो एक कोर पूरी स्ट्रेटजी चेंज हुई है, उसके अलावा दूसरे की सेक्टर्स होगा, रिफाइनरी हो गई, ऑयल गैस मार्केटिंग हो गई जो बड़े बड़े इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, वो बुनियादी इस्लाहात आपको आ रही है जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक प्लेटफॉर्म सेट करेंगी? डॉक्टर, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए हम कम्पीट किसके साथ कर रहे हैं। अगर हम ये कम्पीट कर रहे हैं कि हमारी 3% 4% GDP ग्रोथ है तो हम लोग बार बहुत छोटा लगा रहे हैं। हमें देखना है कि वियतनाम, टर्की, थाईलैंड, ताइवान, बांग्लादेश, इवन इंडिया किस पेस पे जा रहे हैं और वो कैसे जा रहे हैं। उसके लिए बड़ा जरूरी है, मैं प्रोपोनेंट हूं कि आप एफिशिएंसी, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की पॉलिसीज आप बनाए। अच्छा, उसमें भी हम लोग 5% या 8% ग्रोथ आए तो तालियां ना बजाएं, हम लोग अपना बार जो है ना 20% से सेट करें ताकि हमें नजर आए। जैसे आपने पॉलिसीज की बात की और इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की बात की, फॉर इंस्टेंस जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, ठीक है, और इवन सीमेंट की सेल बढ़ रही है, काफी चीजें, क्योंकि कंजम्पशन लेड डिमांड आएगी जब लोगों को इंटरेस्ट रेट कम होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके इम्पोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पॉलिसी देनी चाहिए थी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, कि अगर कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ेगी, आपके सरिये की डिमांड बढ़ेगी, गाड़ियों में सेल बढ़ेगी, सीआरसी की डिमांड बढ़ेगी और इंटरनेशनली प्राइसेज ऊपर चली जाएंगी तो सब पैनिक में आ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए ताकि वैल्यू एडिशन हो, जितना हम इम्पोर्ट बचा सकते हैं अपनी, लोकल इनहाउस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट को कितना ग्रो कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये बताइए। इस वक्त अगर हम बात करें तो पॉलिसीज बन रही है, नंबर वन अगर हम स्टील की बात कर रहे हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ सीआरसी ऐसे हम इम्पोर्ट कर रहे थे, वो इनहाउस लोकली हम बनाने की तरफ बात कर रहे हैं, नंबर वन। अगर हम रिफाइनरीज की बात कर रहे हैं तो हमें लोकल जो फ्यूल है पेट्रोल और डीजल उसकी डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, हमारी इकोनॉमी के साथ बढ़ेगी। अब रिफाइनरी पॉलिसी विद इन 2 वीक्स आई थिंक लॉन्च हो जाएगी, इस वक्त वो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के ऊपर लगी हुई है। इज देयर अ स्ट्रेटजी की जो हमारी इंपोर्टेड फ्यूल है उसको सब्स्टिट्यूट करें लोकल? प्राइसली ये किया जा रहा है क्योंकि अगर हम बाहर समझ लें $1 का फ्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर हम लोकली रिफाइनरी हो तो वो 60 सेंट का हो और या 55 सेंट का होगा, जो भी उसके डॉलर इम्पोर्ट होगी वो हमारी बचत हो जाएगी जिसको हम मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। और आपने बात की टेक्नोलॉजी सेक्टर की, टेक्नोलॉजी इज अ नो ब्रेनर आजकल की दुनिया के जमाने में, यही तरीका है ग्रो करने का। पहले अगर आपको 1 अरब की मशीनरी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी 1 अरब के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा सेक्टर है कि आपको सिर्फ 5% जो चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, सिर्फ आपके पास लोग होने चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जिस पे फोकस होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर, मेरे ख्याल से वहां पे शॉर्टकमिंग्स आ रही है हमें। तो बुनियाद रखी जा रही है लेकिन जो पेस है बुनियाद का, आपकी जो ग्रोथ का, उसको हमें एम हायर करना चाहिए और बड़ा जल्दी करना चाहिए। थोड़ा ख्याल ये रखें कि देखिए हम 2016-17 के बुरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट ये हो गया, उसको हम रिपीट ना करने के लिए क्या पॉलिसीज कर रहे हैं उन पे फोकस। बिकॉज उस वक्त तो बहुत शोर मचा था कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान का दुनिया भर के मैगजीन के अंदर जिक्र आ रहा था, शेयर हो रहे थे दुनिया भर में क्या पाकिस्तान बहुत बेहतर, और उसके बाद एकदम से कोलैप्स हो। वो फील गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर वो अभी वापस रिपीट होना चाहिए लेकिन इस तरीके से कि वो 5 साल रहे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस वक्त ये तमाम तरह शोर हम इंटरनेशनल पब्लिकेशन में देख रहे थे और लोग ये बताया जा रहा था कि आप बहुत जबरदस्त फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आपकी चल रही है, GDP ग्रो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ 1 से 1.5 साल के अंदर आप एक शदीद किस्म की क्राइसिस का शिकार थे और करंट गवर्नमेंट को फिर ये सारी आपने देखा चीजें फेस करनी पड़ी। इस पे किस तरीके से इम्प्रूव करें कि जो नंबर्स के पीछे जो सस्टेनेबिलिटी है उसको एनहांस करें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपको, जब आप शॉर्ट टर्म्स बिलीव करते हो ना, पुरानी पॉलिसी जितनी भी देखें शॉर्ट टर्म पे चली थी, रुपए को अगर उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था तो आर्टिफिशियली किया हुआ था कि अगर इंटरबैंक हर आए रोज इंटरवेंशन कराता, जो आपके पास प्रीशियस पैसा आता है अगर उसको आप
कर्जे लेके या बड़े अच्छे 8.25% पे इंटरेस्ट पे ला के और फिर मार्केट में फेंकने के लिए अकलमंदी की बात नहीं है। अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने जो किया है वो ये कर रहे हैं कि प्रोपोनेंट भी बहुत है, बाय द वे देयर इज अ ह्यूज इंटेलिजेंसी है जो कि उसको बोलती है वो बिल्कुल ठीक था। देखिए नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप अर्निंग करते हो एक्सपोर्ट से तो वो आपको डॉलर पड़ता है फ्री में। आप अगर 8.5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर देते हो तो बोरिंग बहुत हाई होती है। अगर आप 8% या 5% का इंसेंटिव वाउचर की शक्ल में एक्सपोर्टर्स को देते आज अनाउंस कर दे तो आज आपकी एक्सपोर्ट डबल हो जाएंगे विद इन अ ईयर, मैं गारंटी देता हूं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि एक्सपोर्ट से डॉलर को स्टेबल नहीं कर रहे थे, इंटरवेंशन से डॉलर को स्टेबल कर रहे थे। वही तो, अगर एक्सपोर्ट आपने बढ़ाई नहीं, एक्सपोर्ट मुसलसल गिर रही थी, लेकिन आप जो बोरिंग कर रहे थे, जो आप बॉन्ड फ्लोट करते थे उसका जो पैसा आता था उसको आप एक कॉस्ट पे लेकर आते हो ना, और वो वापस आप इंटरबैंक मार्केट में झोंक रहे थे जिसकी वजह से आपका रुपया आर्टिफिशियली स्ट्रांग था। और उस आर्टिफिशियली स्ट्रांग होने से आपको उस टाइम मैं बताता हूं कि 2013-14 की बातें हैं जब करेंसी वॉर चली थी, रीजनल करेंसी वॉर, दुनिया भर में हमारे एशियन कंट्रीज में जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो करेंसीज को डिवैल्यू कर रहे थे और हमारा पाकिस्तान में करेंसी स्टेबल रखी हुई थी, एक प्राइस पे फिक्स कर दिया था जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट, मतलब हम एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी पे थे बाय दैट। अगर आप एक कंपैरेटर अपने आप को चीप बना रहे हैं और आप अपने आप को एक्सपेंसिव रखा हुआ है, देखिए ब्यूरोक्रेसी का सबसे आसान क्या तरीका होता है, वो कहते हैं हमें शॉर्टकट दिखा के अर्निंग दिखानी है, तो उनको इम्पोर्ट बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ाना था। वो कहते थे हमें इम्पोर्ट पे रेवेन्यू मिलता है, ड्यूटी मिलती है, जितनी करेंसी इम्पोर्ट बढ़ेगी उतनी ज्यादा ड्यूटी आएगी, लेकिन एक्सपोर्ट हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक्सपोर्ट एक ऐसी अर्निंग है जो फ्री में डॉलर मिल रहा होता है आपको, तो उसको तो गवर्नमेंट को बढ़ाना है। अभी भी रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमारे पास ये ब्यूरोक्रेसी जो अभी ट्विटर पे चल के अपने आप पॉलिसी तो शो दिखा दी है, उसकी बजाय आपको रिफॉर्म्स लाने होंगे। अब दुनिया में ऐसा कोई मुल्क शायद ही बचा होगा, अगर आप वियतनाम भी देख लें, कि वो 100% ग्रो करे और प्रोड्यूस करे और फिर एक्सपोर्ट करे। अब हो गया थर्ड कंट्री से भी आप चीज लाओ और एक्सपोर्ट कर दो। पाकिस्तान में DTRE जैसी स्कीम, या आप इम्पोर्ट करो फिर कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस में रखो फिर एक्सपोर्ट करो, इसमें बहुत टाइम लगता है। आज मेरा कस्टमर इंटरनेशनल मार्केट में बैठा है, वो कहता है मुझे कल शिपमेंट कर रहे हो परसों कर रहे हो, तो मेरे पास ऐसे जराए होने चाहिए कि थर्ड कंट्री अगर सस्ती कोई चीज मिलती है पाकिस्तान में, मैं बायर को लूज नहीं करूं, रिस्क और उसको दे दूं, उसकी आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। वो तभी आएगी जब आप रिफॉर्म्स लाओगे। अब यहां मुमकिन नहीं रहा कि हर चीज आप मैन्युफैक्चर करो। हम अभी भी कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सस्ते आइटम्स कर रहे हैं। आज जो है मोबाइल फोन की एक्सपोर्ट बढ़ रही है पाकिस्तान से, लेकिन दुनिया अब हमारा कंपेटिटर बांग्लादेश को देख रहे हैं, वो शिप बना के कोरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी शिपिंग इंडस्ट्री 60s में जो डेवलप हो रही थी, 67 में तक हम एक्सपोर्ट करके दे रहे थे, शिप छोटे बना रहे थे, अगर वो चलती माजी की अकूलियत उसको संभालती तो आज पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर होता और एक आइटम जो महंगा बिकता है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करें। आप सस्ते आइटम शर्ट्स को, आप टी शर्ट को, क्लॉथ को, यान को, या फिर आप चावल और फ्रूट सब्जी बेच के कितना कमाओगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कदारी साहब, दैट इज टू से कि आप जो दुनिया को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आपके रॉ मटेरियल्स पे वैल्यू एडिशन का मार्जिन ले जाए, और आप अपने रॉ मटेरियल बहुत चीप सेल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल की मार्केट बढ़ाएं, जबकि दुनिया भर में वैल्यू एडिशन की मार्केट बढ़ रही है। तो ये बुनियादी शिफ्ट जो अभी हमने देखा है कि टेक्सटाइल के अंदर आना शुरू हुआ है, थोड़ा डाइवर्सिफाइड हुए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, द वे वी पीपल थिंक अबाउट एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज, ऐसे ऐसे चेंजेस आ रही है, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसा अभी हमने बात की वैल्यू एडिशन के हवाले से कि हम बेसिक रॉ मटेरियल जो पर जो प्रोड्यूस हम करते हैं उसी पर इनसार कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन पे नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये दौर ही वैल्यू एडिशन का है कि एक छोटी सी मिसाल अगर हम एक सेल फोन ले लें तो उसमें मेरे ख्याल से 500 रुपये का प्लास्टिक भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो जब वैल्यू एडिशन के साथ वो 2-2 लाख रुपये का बिकता है, तो हमें इस तरफ आना होगा अपनी चीज़ों पर। और जैसा कहा गया कि हमें वो आटा चावल और कपड़ा और कपास से निकल के ना नॉन ट्रेडिशनल आइटम को फोकस करना होगा अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे पास बहुत गुंजाइश है। ज्वेलरी सेक्टर में जाए, ऑर्नामेंट्स में आप चले जाए, मतलब इतनी चीजें जिस पर हम प्रॉपर फोकस करते नहीं। हम सिर्फ देखें ऐसे तो अगर आप नंबर की बात करें तो पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्जिकल आइटम्स का, 50% से ज्यादा जो आपकी फुटबॉल है पाकिस्तान से बनकर दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। हम ये जो स्पोर्ट्स की किट्स हैं वो हम पाकिस्तान से बना के बेचते हैं, जो बड़े नंबर में राइस है, लेदर है, यू नेम इट, लेकिन ये तो ट्रेडिशनली हम करे आ रहे हैं, एक जमाने से करते आ रहे हैं। हमें आना पड़ेगा वैल्यू एडिशन की तरफ, और वैल्यू एडिशन में आने के लिए हमें एक चीज को फोकस करना होगा कि जो गवर्नमेंट के पास जो टैरिफ है कस्टम के इंपोर्ट का वो हर कैटेगरी के लिए एक है। जब आप वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, हाईटेक की तरफ जाते हैं, तो आपको उस पर इंसेंटिव देना होगा, आपको उनमें हॉलीडेज देने होंगे टैक्स के हवाले से, और इतना सहल और आसान करना होगा कि हम उस नई टेक्नोलॉजी को मंगाएं, यहां पर उसको चलाएं और उससे वैल्यू एडिशन प्रोड्यूस करके उसी चीज का मैक्सिमम कराएं काम। जैसे कि अभी आज की मैं अभी पिछले दिनों का एक चैनल पे शौकत अहिम साहब को सुन रहा था,
ठीक है, उनके आने के बाद बहुत से प्राइवेट सेक्टर के आदमी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी रिफॉर्म की, उनकी विजन नजर आता है, बिजनेस कम्युनिटी काफी मुतमईन है उनकी पॉलिसी से, अब ऐसा इंप्लीमेंटेशन होगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, टेक्स इंडस्ट्री के हवाले, देखिए ये इतना बड़ा सेक्टर है, अभी सोमन साहब ने जिक्र किया, इतना बड़ा सेक्टर है अभी तक हमने सही मानों में एक्सप्लोर ही नहीं किया। अपने नेबर कंट्रीज में देख लें, उनके एक एक शहर में 30 लाख आदमी इस सेक्टर पर काम कर रहा है। हम एक छोटी सी मिसाल दें, मैं अभी पढ़ रहा था कि तकरीबन $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है इस सेक्टर के अंदर पिछले 6 महीनों में, जिसमें एक कंपनी खाली एयरटेल जो आ रही है उससे $85 मिलियन जो 112 मिलियन है 85 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, जो एक बाहर किसी के थ्रू लेके आया, तो मतलब गुंजाइश तो है ना। सिर्फ अब यही वो लोग हैं, यही वो चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट को आम रिवायती चीजों से हटके थोड़ा सा फोकस देके आपकी लोकल इंडस्ट्रीज को, देखिए सबसे पहले आपको इंडस्ट्री को बूंद देना होगा, चाहे कुछ भी करो, उसके बगैर ना आप ये गुर्बत मिटा सकते हैं, ना नौकरी दे सकते हैं, ना, और ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। मैं हमेशा कहता रहा हूं, ये मेरा स्लोगन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक वाइड सर्वाइवल है जिससे हम जितने निकल सकते हैं, उनका इंसेंटिव दे, कंजेंसिव इन्वायरमेंट दे, और खासतौर पर उन पर ज्यादा फोकस करें जो नॉन ट्रेडिशनल है और जो हाईटेक की तरफ या आपकी वैल्यू एडिशन की तरफ जाए। आई थिंक बहुत ही एक्सटेंसिव आपने रिस्पॉन्स दिया नाजी, दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द शो। हम अब बात करेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास माहिरीन है कैपिटल मार्केट से भी, कंस्ट्रक्शन से भी, ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके समराज आगे चल के 2-3 साल में आना शुरू होंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो कि आपके सामने नहीं आई हैं, आप हर दिन उनको देखते नहीं है उन डेवलपमेंट्स को, लेकिन अंडरलाइंग वो बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल चेंजेस हैं जो कि इकोनॉमी की बैक बोन स्ट्रांग करेंगी, ऑलरेडी करना शुरू हो गई हैं, लीकेजेस खत्म हो गई हैं एक्सटर्नल साइड से, तो उस पर बात करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैं लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहा था, अबाद के फॉर्मर चेयरमैन आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्टिविटी है पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन की वो बहुत कम है कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट, वहां पे कम कॉस्ट में ज्यादा तेजी से कंस्ट्रक्शन होती है, इंजीनियरिंग काफी इनोवेट हो गई है। आप किस तरह समझते हैं विद इन द कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड इंडस्ट्री व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट द बिल्डर्स शुड अडॉप्ट ताकि एफिशिएंसी आए सिस्टम में? देखिए ये सही बात है कि हम अभी तक ना वो पुराने मैकेनिज्म के ऊपर ही चल रहे हैं, हमने नई टेक्नोलॉजी उसमें अभी तक सही मानों में अडॉप्ट ही नहीं किया, ना पिछले दौर पर किसी हुकूमतों ने इस पर फोकस किया। इस हुकूमत ने खासतौर पर कंस्ट्रक्शन पर फोकस किया और उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया और उसमें अब उसमें नई नई चीजें आना शुरू हो रही हैं। इस सब चीजों एक तो ये इशू है कि हमें अपनी उसमें वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जिससे हम, जैसे कि प्री कास्ट आप देखें, जमाने में पहले जब कोई प्लॉट देता था तो बाउंड्री वॉल बनती थी, महीनों लग जाते थे, अब प्री कास्ट का दौर है, एक हफ्ते में आप प्री कास्ट के ऊपर आप पूरी बाउंड्री बनाकर तैयार करके उससे कई गुना कम पैसों में करके निकल जाते हैं। दिस इज मॉडर्नाइजेशन, पूरे पूरे घर प्री कास्ट बन रहे हैं दुनिया के अंदर, लोग 3-3 हफ्ते में पूरा घर बना के डिलीवर कर देते हैं चाइना के अंदर। हमें अभी हम लोग का माइंडसेट नहीं है। मैं अभी यही बात कर रहा था कि हम जिस शहर में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी सेक्टर पर काम कर रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा नजदीक से देखता हूं, मुझे खुदा ना खासतौर में डर लगता है कि अगर अल्लाह ना करे यहां पर 5.5 या 6 रेक्टिव स्केल के कोई जॉब भी आ गया ना, तो मेरे ख्याल से 40% कराची कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि आप छोटी आबादी में जाकर तो देखें, ना वहां कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई वहां प्लानिंग है, ना वहां कोई अप्रूवल है, ना वहां कोई, बस एक जिसकी जितनी जरूरत बढ़ती है उसे एक एक फ्लोर अपना डेवलप करते गया लैंटर बीम डाल के। तो एफिशिएंसी कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर ये एरिया जो है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट इकदाम है जो आबाद को करने चाहिए एज एन एसोसिएशन यू शुड पिच, बिकॉज बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती भी ऐसी है गैर मियारी मटेरियल के साथ। अभी दुनिया जो है वो आपकी जो ईंट है वो भारी है और महंगी है, दुनिया की ईंट भारी नहीं है और सस्ती है, मतलब बिल्कुल ही हर चीज में उल्टा हिसाब है। देखिए आबाद कोई रेगुलेटिंग बॉडी तो है ही नहीं, सही है, वो तो एक पॉलिसीज को फॉलो करके जो गवर्नमेंट के इदारों की पॉलिसीज हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसको फॉलो करवाती है, ये काम तो गवर्नमेंट का है। कि अब इसमें ऐसा मैकेनिज्म लेके आए, जैसा कि एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और अभी तक उस पर तवज्जो नहीं है, हम आज भी वही पुराने जमाने का जो है ना वो हल चला के वहां से अनाज उगा रहे हैं, दुनिया कम जगह पर ज्यादा यील्ड ले रही है, ऐसे ही हमें इस सेक्टर के ऊपर, ये सेक्टर बहुत एडवांस हो गया। मैं कहता हूं कि हम छोड़े यूरोप को, अमेरिका को, हमारे बहुत से ताल्लुक आते हैं, चाइना से हम टेक्नोलॉजी लेके आए, यहां पर चीजें बनाना शुरू करें। अब उसमें कोई वाली बात है कि फिर वो इंपोर्ट की बात आएगी, टेक्नोलॉजी लाने की बात होगी, उसका इंसेंटिव दें। अच्छा एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी अब काफी इंसेंटिव देना शुरू हो गई है, छोटे किसानों के लिए भी काफी स्कीम्स आ रही हैं। आपकी पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, मैं सुनो की तरफ आऊंगा, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुई है पाकिस्तान की ओवरऑल। पहले तो जनरली सेक्टर स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर है, कंस्ट्रक्शन में कन्वेंशनल बिल्डर्स बहुत हैं, इनोवेटिव बिल्डर्स कम है,
और जो बहुत ज्यादा फ्यूचर ड्रिवन बिल्डर्स हैं वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल सेक्टर में इनोवेशन इज स्टिल लैकिंग, डू यू एग्री? आई टोटली एग्री विद यू बाकर, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही कहा। देखिए एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो चेंज हो रहा है ना पिछले 5 से 7 साल में, वो मेरे ख्याल से ईज ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल के जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो जवान हैं, वो पढ़ रहे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, यूट्यूब पे देख रहे होते हैं क्या होता है, उनके पास सामने रिसर्च पेपर्स हैं। 15-20 साल या 30 साल पहले क्या होता था, लोग जो यहाँ पे एजुकेटेड क्लास थी बाहर जाके कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड फेयर, इधर जाके वो समझ के वापस आते थे। अब दौर चूंकि जदीद हो गया और बड़ा फास्ट पेस हो गया, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो लोगों में आ रहा है वो मैं अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए 100 में से 5 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होंगी जो ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1 लोग ऐसा होते हैं जो इसके ऊपर जाके अडॉप्ट करते हैं। देखिए दुनिया बदल रही है, हमने थोड़ी देर पहले शो में बात की कि एक कंपनी है जिसने $85 मिलियन रेज किए हैं, एयरलिफ्ट की बात हुई, 1-2 और कंपनीज है। देखिए ये जो स्टार्टअप का स्पेस है, आपको जो लेबर पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर, 20 करोड़ हमारी आवाम है, उसमें आप देखिए उसको यूटिलाइज किस तरीके से करना है। एक कन्वेंशनल मॉडल है जो शॉर्टकट है मेरे ख्याल से, वो ये है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इनके लिए जॉब्स क्रिएट करें। दूसरा जो आपका लीप फ्रॉगिंग का होगा वक्त, मतलब आप जो है ना वो करें जो काम औरों ने किया हुआ है, लेकिन 10 वाला काम 2 साल में करें, वो आप तब कर सकते हैं जब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम हो आपके अंदर, यूनिवर्सिटी। देखिए आपने कुछ चीज नोट की, हम लोग के जो पॉलिटिशियंस हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सब कहते हैं कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करें, उन्होंने टेक्नोलॉजी होम ग्रोन की है। वो कैसे किए, क्योंकि इनके पास यूनिवर्सिटी रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करती थी, उनके पास प्रोफेसर ऐसे थे, जर्नल्स लिखते थे, नई नई इनोवेशन लेके आए, और उनकी गवर्नमेंट ने देन उनको सपोर्ट किया। पाकिस्तान के अंदर ये पूरा कल्चरल शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि जो है ग्रोथ जो है ना एबनॉर्मल हो। तो और आपको वो जो इनोवेटर का मैग्नेट है वो अभी नहीं है हम लोग, वो बिल्कुल वो सारा जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो इनोवेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं और डेवलप करती हैं। देखिए बाहर के मुल्कों में अगर आप कुछ सेक्टर्स होते हैं स्टेम जैसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसमें अगर आप एक्सपर्ट है ना तो आपको वो रेजिडेंसी दे देंगे, आपको वो इनकरेज करेंगे कि आप हमारे पास आए, माइग्रेट करें। हमारे पास इतना पूल ऑफ रिसोर्स है जिसको यूटिलाइज नहीं किया गया, जो देखिए आगे जाके एक सोशियो इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा ताकि कंक्लूड कर, वो इसलिए कि देखिए हमारे मिनिमम वेज के हिसाब से दिहाड़ी रोजाना बनती है 700-800 रुपए, जिस पर आवर आप देखें 70-80 रुपए। आजकल अगर हम गवर्नमेंट फोकस कुछ पैसे खर्च करके, जहां पे हम 200-250 अरब के लॉसेस करते हैं पावर सेक्टर में और स्टील मिल में, गवर्नमेंट अगर अपनी बजट एलोकेट करे कि नहीं हम लोग उर्दू में, पश्तो में, सिंधी में, सराइकी में एप्स बनाएंगे, और जो बाहर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सपोर्ट के, डेटा एंट्री, सिर्फ डेटा एंट्री के 60 रुपए पर आवर यहाँ पे हमारी मिनिमम वेज है, वहां पे 300 रुपए पर आवर आपके हमारी जो आवाम बैठी होती है 6-6 घंटे फारिग, उनको आप स्मार्टफोन दे गवर्नमेंट के पैसों से, उनसे काम करवाएं, उनको यूटिलाइज, 5 टाइम्स पर आवर वेज वहां ज्यादा है एब्सोल्युटली फॉर सेम वर्क, अगर उनको सिर्फ आप उर्दू में बता दें और उनको लोकलाइज। कहना चाह रहा था इसमें कंटिन्यू, आपने बात की कि R&D के हवाले से कि हम इस तरीके से इन हाउस डेवलप करेंगे, हमें बाहर से ना इम्पोर्ट करना पड़े। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी एक बड़ा मसला ये भी है कि ये तो बहुत ऊपर की बात होगी, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास वो इदारे सिस्टम नहीं, यहाँ पे अपने कारपेंटर, बड़ा इलेक्ट्रिशियन, मजदूर को प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसको एक स्किल बना सके जो हमें आगे जाके इसका बेनिफिट दे सके। यहाँ तो जो इलेक्ट्रिशियन का बाप काम करता था, बेटा ने उसके साथ चल चल के 5 साल में वो इलेक्ट्रिशियन बन गया, बड़ा ही ऐसे कारपेंटर बन गया, उनके पास ट्रेनिंग कोई नहीं है, सर्टिफिकेट कोई नहीं है, इस पर भी हमें काम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परसेप्शन का एक बड़ा इशू है। यहाँ पे अगर आपका बेटा अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो तो आप सोसाइटी में लोग देखते हैं कि भाई आपको एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ा गैप है, जबकि चाइना और दुनिया भर के अंदर ये गैप नहीं है, तो लोग फिर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी नहीं आते। हाउ टू रेडिकेट दिस? पाकिस्तान को आप हर सेक्टर में देख लें, वो यही होता है कि जो फोर फादर बिजनेस कर रहा था, जो फोर फादर काम कर रहा था, वो इनहेरिट हो रहा होता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। उसकी रीजन क्या है, पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है। रीजन ये है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, दुनिया में कहीं ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही जो आज भी हम लोग पढ़ाए जा रहे थे। अभी इस गवर्नमेंट ने अभी चेंज करने जा रहे हैं। देखिए आप बच्चों को किताबें लादो नहीं, आप उनके जहनों को खोलो।
मैं सिंगापुर की मिसाल देता हूँ, जहाँ पे 400-450 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होती है, एक चीज प्रोड्यूस नहीं होती। वहां के बच्चे स्कूल से कम मार्केट में, बाजार में, फील्ड में घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद उनका माइंड खुलता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आज तक अपने कॉलेज में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद ही यूनिवर्सिटी में कितने पढ़ लिया हो सब्जेक्ट, वरना उसको भी नहीं पता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। एक चीज जो इनोवेट कर रहा है या इन्वेंशन कर रहा है, छोटी सी पेन ओपनर को ले लें, अगर वो आज तक बिलियन और ट्रिलियन पाउंड कमा गया है, तो पाकिस्तान में क्या ऐसा नहीं आ सकता कि कोरिया ने एक जैम बटर को खोलने के लिए जिस तरह कट लगाने की एक इन्वेंशन की है, उसमें कुछ नहीं है, पैकिंग के दौरान कट लगता है, आप नाश्ते की टेबल पर उसको खोल लो। तो पाकिस्तान में आपको तालीम को चेंज करना पड़ेगा, यकसा निसाब रखें आप और उनकी ग्रोथ करें, अपने साथ अपने माहौल के साथ भी रहे। बच्चे दुनिया में 3-3, 4-4 बजे तक स्कूल में होते हैं, ज्यादा टाइम स्कूलों में गुजारते हैं, हमारे बच्चे 12-1 बजे घर पहुंच जाते हैं, तो उनका टाइम ज्यादातर घर के साथ होता है, घर में जो कुछ हो रहा है, जो डिस्कशन हो रही है वो लर्न कर रहे हैं। अभी इसके साथ देखिए, हुकूमत को अब एक और चीज भी करनी होगी, जब तक आप इनोवेटिव अपनी इकोनॉमी नहीं करेंगे ना, तो ये जो आपका 120 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा डेट चढ़ गया, क्योंकि जो आपको गवर्नमेंट मिली पिछले माजी में जो दी गई, उसमें था यही कि जो भी हुकूमत आती है उसको कर्जे लेने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई चार्ज ही नहीं था, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आपकी थी नहीं कहीं भी, तो उसको अब आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, इनोवेटिव इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, हाईली स्किल्ड चीजें एक्सपोर्ट करनी होंगी, आप दुनिया से कोई चीज लाओ उसको सस्ता करो, एफटीए आप लीज डेवलप कंट्री के साथ करो। हमने बेवकूफी ये करी हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने कि एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ एफटीए किए, चाइना का एफटीए देखें आपके फेवर में, चाइना कमा रहा है वहां से 18 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है, तो हम 2 अरब डॉलर करके बहुत कुछ हो रहे हैं। इसी तरह से आपने मलेशिया के साथ एफटीए किया हुआ, मलेशिया आपको कह रहा है रिवाइज कर लो, वहां पर मलेशिया इंडिया से जो ड्यूटी कम दे करके राइस इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से राइस ही जा रहा, क्योंकि सारे एफटीए में सिवाय श्रीलंका वो भी थोड़ा सा में फायदा हुआ। ये सारे एफटीए क्या किए जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आप रॉ मटेरियल मार्केट में लाओ, क्योंकि इस वक्त दुनिया की अगर सुपर पावर इकोनॉमी जो चाइना बनी है, तो रॉ मटेरियल को लेकर आ रहा है अपने मुल्क में, जहां कहीं मिल रहा है, आप एफटीए करके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो सस्ता, और फिर फिनिश गुड उन मुल्कों में एक्सपोर्ट करो। आपको ये मॉडल लाना होगा, एक्सपोर्ट सबसे बहुत जरूरी है, इसके ऊपर रिफॉर्म्स करने होंगे। हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो काम हो रहा है, सॉरी टू से, अभी तक वही पुराने चीजें कुछ चल रही हुई है काफी, अगर आप देखें कि बिकॉज अगेन कल्चरल माइंडसेट जो है आपका, वो चेंज करने में बहुत मुश्किल, बिकॉज देन यू हैव लाइक प्रोसेस और स्लो हो जाते हैं। व्हेन देयर इज 1% 10 लोग हैं पुराने माइंडसेट के साथ, अगर आप चेंज करें तो 10 लोग मिलकर और स्लो कर देते हैं, दैट्स अगेन आपको अपने इदारों में भी देखा ही है। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी उनको रोक रही थी, हुआ और उन्होंने कुछ पैन डाउन वाली एक स्ट्रेटेजी बना ली थी कि उनको खौफ हो गया था, अब जाके वो काम करने लगे। लेकिन आपको नए चीज लानी होगी, मार्केट से बदले पिक करने होंगे, आपकी जितने भी कमर्शियल सेक्रेटरी जहां जहां पोस्ट हुए हैं, सिवाय एक आदमी के जो चाइना बीजिंग में प्राइवेट सेक्टर से गया है, और आपने देखा कि रिसेंट 2-3 सालों के अंदर आपकी एक्सपोर्ट चाइना को बहुत बढ़ी है, आपकी वहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गई है। पहले आपकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आती थी, पहले एक्सपोर्ट आपकी अमेरिका को ज्यादा होती थी, अब वहां पे होना शुरू हो गया। तो ये मतलब ये कि प्राइवेट ह्यूमन रिसोर्स अगर आप अपने एज एन एम्बेसडर कमर्शियल अटाची के तौर पर भेजेंगे, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत मल्टीपल टाइम्स आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। देखिए, आपके जो यूथ है, आपकी एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल है, वो आपके एम्बेसडर्स होते हैं, इन रियल टर्म्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके आपके सोच का नजरिया क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपके मुल्क के अंदर कितने वेलकमिंग या अनवेलकमिंग एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिजनेसेस। जब ये आपके बिजनेसेस के ऊपर कंड्यूसिव और एनवायरमेंट बनाएंगे, तो आपको पूरा आपको जो है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को उसको चैलेंज करना होता है। हैविंग सेड दैट, देखिए दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन व्हाट वी आर सिटिंग राइट नाउ, वी हैव टू एडमिट कि इन लास्ट 3 ईयर्स थिंग्स हैव इंप्रूव्ड। It was a panic situation. Then now we are in that growth phase. हमारी डिबेट इस वक्त कंस्ट्रक्टिव से हो रही है कि हम लोग ग्रोथ किस तरीके से सस्टेनेबल लेके आए और फास्ट पेस लेके आए। उसमें जो कन्वेंशनल पुराने मॉडल्स हैं, जैसे बात कर रहे थे सर कि जो आपने एफटीए किए थे जहां पे हमें एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गए हैं, आपको वहां पे फोकस करना चाहिए जहां पे हम उनसे कॉम्पेटिटिव हैं। हमारे पास लेबर है विच इज अनयूटिलाइज्ड, अगर ये अनयूटिलाइज्ड ही रही अगले 20-30 साल के लिए, तो हमारे डेड वेट आ जाता है
इकोनॉमी में, जिसको हम कहते हैं कि एक पूरी जनरेशन आपकी तबाह हो गई, तबाह हो गई इन टर्म्स कि उन्होंने खुशहाली देखी नहीं, और ये गवर्नमेंट का काम होता है उसको खुशहाल करना। लेट्स होप कि अगले दो साल में थिंग्स विल बी मच फास्टर पेस्ड और फोकस किया जाएगा ऑन वैल्यू एडिशन एंड रिसर्च ड्रिवन ग्रोथ। आई थिंक बहुत ही एक्सटेंसिव सेशन हमने नाज़िम किया, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल राउंड ऑफ आवर कंक्लूजन डिस्कशन, जिसमें हम देखेंगे कि क्या वो चीदा चीदा सजेशन है राइट नाउ जो आप एक सेक्टर पिक करें, इंक्लूडिंग मैं भी एक पिक करूंगा, और हम देखेंगे उसमें क्या सजेशन है विच आर टॉप प्रायोरिटी दैट इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग द इंडस्ट्रियलिस्ट आर डिमांडिंग कि उसको तेज किया जाए, ताकि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम तीन साल में बंद चला है इसको कंटिन्यूसली सस्टेन करें और इसमें फर्दर कैपेसिटी लाएं और ग्रो करने की। तो कंदारी साहब, आपका सेक्टर है, क्या दो तीन रिफॉर्म्स हैं जो कि आप रिकमेंड करेंगे? मैं सबसे पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो जैसे गवर्नमेंट ने इसमें काफी इंसेंटिव इसमें दिया हुआ है, तो वो बात तो खत्म होगी। अब हम जिस पे बात कर रहे हैं कि हम इसको ग्रोथ कैसे करें, हम सब इसी बात पर मुतफिक हैं, जो चीजें हो गई इसको आगे चलाए कैसे। मेरे ख्याल इसमें जो है ना, एक थोड़ा सा हमें जिस तरीके से हम और सेक्टर में गवर्नमेंट चीजों से फोकस कर रही है, हमें इसके अंदर भी थोड़ा सा ऐसा मैकेनिज्म लाना होगा जिसमें इसमें लोग पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हों, और जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है हमारी जो स्किल है, लेबर है जो खासतौर पर काम कर रही है, उनके वोकेशन ट्रेनिंग कराई जाए, उनको सिखाया जाए, बल्कि इस तरीके से लिया जाए कि जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसकी तनख्वाह ये है, जो बगैर सर्टिफिकेट के ये है, ताकि वो जाए छह महीने साल दो साल का कोर्स करके वहां से निकले, उसका इनपुट डेफिनेटली ज्यादा अच्छा आएगा आपके काम के अंदर। और वो टेक्नोलॉजी या वो चीजें जो आज के दौर में बहुत कॉमन हो गई, जिसमें जिसके अभी हम बहुत दूर हैं, वो हमें एक अच्छे तरीके से सहल तरीके से इंपोर्ट करने के लिए या लोकल डेवलप करने के लिए जरूरत है कि हम उस पर फोकस करें। देखिए सीधी सी बात है, एक छोटे सेक्टर पे खान साहब ने फोकस किया टूरिज्म के ऊपर। आज आप देख लेंगे पाकिस्तान में 67-68 बिलियन का टूरिज्म खाली आपके इन हॉलीडेज में हो गया, लोग बाहर नहीं गए ना, अब तो भी पाकिस्तानी बाहर पाकिस्तानी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आज से छह महीने पहले लोग कैचअप और जैम और फ्रूट की जो है ना वो सब चीजें बाहर की खाते थे, आज सब लोकल खाते हैं, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब करना ही पड़ेगी। जो ये पैंडेमिक के बाद हालात हुए, हमें अपनी इंडस्ट्री को बूम देना पड़ेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट की हो या किसी और सेक्टर की भी हो, ये बहुत जरूरी है। एक सेक्टर और मैं बोलना चाहता हूँ, ये गुजरा है तो नहीं, लेकिन मेरे जहन में बात अचानक आ गई कि बेसिकली हमारे प्रणमशी साहब जो है बेसिकली वो एक पुराने स्पोर्ट्समैन है और एक कामयाब तरीन स्पोर्ट्समैन है जो वर्ल्ड कप भी जीत के आए। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम सबसे बुरा हाल पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत जरूरी है। आपका ओलंपिक के अंदर क्या हुआ आप देख लें, आप क्रिकेट में कहां खड़े हैं, फुटबॉल में आपको बाहर कर दिया गया, पांच साल के लिए बैन लगा दिया गया, मेरे फील्ड नहीं है, लेकिन मेरा यह है कि हमें इसके ऊपर भी वजह स्पोर्ट्स की भी एक पूरी इकोनॉमी है, लॉट ऑफ कंट्रीज और लॉट ऑफ फॉरन एक्सचेंज थ्रू स्पोर्ट्स, बहुत बड़ा। और आपके पास तो पूरे यंगस्टर बड़े हैं, आपके पास तो पूरे 30-40-25-16 से लेकर 30 साल के 40% लोग आपके इस मुल्क में रहते हैं। अब उसको एज ए इंडस्ट्री के तौर पर, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, स्पोर्ट को भी इस तरीके से लेके आए, लोग तैयार करें, मुकाबलों में जाए, बहुत बड़ी मार्केट है। आपको मालूम है फुटबॉल का एक एक प्लेयर पाकिस्तानी बिलियन रुपीज का वो बिकता है, नॉट मिलियन, बिलियन रुपीज में, हमारे पूरे पूरे इदारों के बजट से ज्यादा उस एक प्लेयर का बजट है, तो हम क्यों नहीं तैयार कर सकते ऐसे लोग। बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया जी सुंदर साहब। बाकी आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म ताकि हम नेट शेयर में बात करूं न्यू इकोनॉमी की। अच्छा, न्यू इकोनॉमी में एक चीज जो मैं सिर्फ अपने स्टॉक मार्केट के मुतालिक बात करूंगा, हमारा बड़ा एक इशू है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। वैसे ही जीडीपी हमारी आपकी अंडर रिपोर्टेड है और टैक्स टू जीडीपी वैसे कम है, तो आईपीओ को जितना आप फैसिलिटेट करें, उनके टैक्सेस आप कम करें फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि लोग जो है फॉर्मल सेक्टर में एक मरतबा आ जाए तो फॉरएवर रहें, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि दुनिया अगले 10 साल की तरफ किधर जा रही है, वो है न्यू इकोनॉमी। न्यू इकोनॉमी के अंदर आज हम मोबाइल फोन इम्पोर्ट कर रहे हैं, कल को इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो हमें पॉलिसी होनी चाहिए सेमीकंडक्टर की, नंबर वन। नंबर टू, हम बात करें तो स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स से मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है आजकल गेमिंग इंडस्ट्रीज का। आजकल एक एक जो मोबाइल गेम है वो बिलियन डॉलर की बिक रही होती है। हमें एक फिर टीचर में आ जाऊंगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज, हमें एम करना चाहिए कि हम ईज ऑफ डूइंग सिर्फ बिजनेस सिर्फ नहीं बढ़ाएं, अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 50 में आए। हमारे को हम प्राउडली कह सकें कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 50 इन द वर्ल्ड में है, जहां पे हम ये कल्चर इनकलकेट कर रहे हैं न्यू इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट खुद ग्रेजुएट्स को पैसे दे, इंटरेस्ट फ्री लोन दे, पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दे कि हम आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, आप बिजनेस सेटअप करें, आप नए आइडिया जनरेट करें, इस तरीके से लोगों का दिमाग भी खुलता है और फ्रेश आइडियाज आते हैं सिस्टम में और जॉब्स क्रिएट होते हैं। लास्टली जो चीज मैं कहूंगा वो आपके आई थिंक डेटा के ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए। डेटा अगर गवर्नमेंट के पास होगी, हर एम्प्लॉई की, हर सिटीजन की,
हर एजेड बंदे की, हर इंडस्ट्री की, हेल्थ केयर की, उसको फिर आप यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं एफिशिएंसीज लाने के लिए। और इसको अगर हम कंक्लूड करें, इसकी फंडिंग किस तरीके से, बिकॉज हम लोग बात कर रहे होते हैं कि फिस्कल स्पेस नहीं, फिस्कल स्पेस नहीं है, आपकी जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है उसको खुदा रहा प्राइवेटाइज करें, मूव ऑन, जिंदगी आगे बढ़े, उससे बड़ा एलोकेशन निकलेगा। जी सर, अभी हमने पिछले तीन साल की जो कामयाबियां देख ली, जो तीन साल के अंदर जो सबसे ज्यादा जो बुरी परफॉर्मेंस नजर आई है वो है आपका एनर्जी सेक्टर, वहां पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे जितनी ग्रोथ लानी है, जितनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जितना टैक्स कलेक्शन का जो आपने एम्बिशियस टारगेट रखा है, वो सारा तब होगा जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी। तो यहां पर हमें कुछ एफिशिएंसी दिखानी होगी। हमारे जो सस्ती बिजली पैदा करने के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ 10 डैम करीब तकरीबन शुरू किए हैं, और एक जो 2025 में बन भी जाएगा। ये हाइड्रल पावर के ऊपर जोर होना चाहिए, अल्टरनेटिव एनर्जी हम बहुत नीचे हैं, ठीक है, वहां पर एक लेकर आए ताकि एनर्जी जो है आपकी इंडस्ट्री को मिले सस्ती। और फिर हमें जो पीएसटी का जो है ना, जो पाकिस्तान की स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनके जो लॉसेज हैं वो, और सर्कुलर डेट जो देखें, सर्कुलर डेट तकरीबन डबल होकर रह गया। सही है, इसको जब तक आप रेवेन्यू जितना भी ले लो, दूध छन्नी में लेंगे बेहतर रहेगा, आपको वो ड्रेन प्लग करना पड़ेगा, वो प्लग करेंगे तभी आपकी ग्रोथ आएगी। और साथ ही एक्सपोर्ट की बेस है आपके पास एग्रीकल्चर, उसके अंदर आप रिफॉर्म देखा है, गन्ना जो है वो कॉटन जोन में हो रहा था, इस वजह से कॉटन की कमी हो गई, कॉटन इंपोर्ट करे, और टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर है। इसी तरह से राइस में पंजाब में बासमती के जोन में इरी नॉन बासमती वैरायटी जो $400 की है, बासमती $1,200 की वो प्रोड्यूस होती है, वो अब ज्यादा कल्टीवेट हो रही है, उसको रोकना होगा, जोनिंग करनी होगी प्रॉपर एग्रीकल्चर के, जो एरिया जिस चीज के लिए बेस्ट है, कुंडली में अगर लाल मिर्च बहुत अच्छी हो रही है तो उसको प्रमोट करो, बदीन में अगर टमाटर हो रहा है वहाँ इंडस्ट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज जहां है उसको प्रमोट किया जाए। ऑन दैट नोट, शमसुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वंडरफुल टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू नाजीन, में बड़ी ही कंक्लूसिव डिस्कशन रही है, इनके पॉइंट्स को समराइज नहीं करूंगा, मैं अपना हिस्सा डाल दूंगा। एक 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 पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें हर किसी के लिए आसान हो कि वो एक लैपटॉप फाइनेंस करा ले, इंटरनेट कनेक्शन फाइनेंस करा ले, और मोबाइल फोन कनेक्शन फाइनेंस करा ले। ये तीन चीजें अगर आप मुहैया कर देंगे तो आप हर शख्स को, चाहे वो कराची में है, हैदराबाद में है, रहीम यार खान में है, उसको इंटरनेट के थ्रू नॉलेज और एजुकेशन से कनेक्ट कर देंगे। तो जो आसान ने बात की कि लोकल लैंग्वेज में कनेक्ट कर, कन्वर्ट करें नॉलेज को, और आप उनको फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन ये नेचुरली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आ रही है और ये आती रहेगी। अभी तो बहुत हम बेस इफेक्ट देख रहे हैं कि $2 अरब की अगर हो गई एक्सपोर्ट तो हमने एक बेस इफेक्ट देखा है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली 20 से 25 अरब डॉलर की हो सकती है अगर आप लैपटॉप और खास तौर के ऊपर मोबाइल फोन इनकी फाइनेंसिंग अवेलेबल करें, हर कोई अफोर्ड कर सके और उस पर चीजें सीख सके। दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की काफी रिफॉर्म्स आ चुकी हैं, अब टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट की फाइनेंसिंग की तरफ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। नाजीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। अपने मेजबान बाकर बाज जाफरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।